मियादाद के मेंढक बनने से लेकर गंभीर अफरीदी की भिड़ंत तक, जाने भारत पाक मुकाबले के 6 बड़े विवाद। T20 विश्व कप में भारत आज अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। इस मुकाबले का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इमोशन है, जो दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के अंदर होता है। ऐसे में दोनों टीमें जब मैदान पर भिड़ती है तो हर हाल में जीत हासिल करना चाहती है। इसी कड़ी में कभी कभी खिलाड़ियों के बीच गहमागहमी भी देखने को मिल जाती है। खिलाड़ी आपस में भिड़ जाते हैं और क्रिकेट का ये हिस्सा होता है। वहीं ये मैच अगर विश्व कप का हो तो तनाव और भी ज्यादा हो जाता है, तब दोनों तरफ से जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, क्रिकेट के मैदान और उससे बाहर भी कई बार ऐसे मामले हुए हैं जब खिलाड़ियों में आपस में ही नोकझोंक हो गई। हालांकि ये सभी मामले वनडे विश्व कप या वनडे मैचों के, क्योंकि तो पहले T20 नहीं हुआ करता था। ऐसे में आइए जानते हैं भारत पाक खिलाड़ियों के बीच 6 बड़े विवादों के बारे में। ये घटना 3 नवंबर 1978 की है। उन दिनों दो बाउंसर को लेकर वाइट का नियम भी उतना सख्त नहीं था। जफर अली स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच खेला गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 7 विकेट खोकर 205 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 37 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 183 रन बना लिए थे। इसके बाद पाकिस्तानी कप्तान ने 38वें ओवर में सरफराज नवाज को गेंद थमाई।